चलिए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। रायपुर से खबर, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर में सुबह से बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। रामपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग संभाग में भारी बारिश की संभावना है। चक्रीय चक्रवात छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, जिसके चलते ऐसा सिस्टम बना है, तो अगले 24 घंटे में और भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी कर दिया है। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मोहन, हम ये देख रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आखिर किस वजह से ये सिस्टम बना है, क्या कुछ इससे जुड़ी अपडेट्स हैं? देखिए, मानसून लगातार रह कर पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो रहा है और उसी के तहत जो उत्तर प्रदेश के आसपास चक्री चक्रवात बना है, उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में अभी अगले 24 घंटे खासतौर पर जो मैदानी इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहां पर भारी से भारी बारिश जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जो पांच संभागों में चार ऐसे संभाग हैं जहां पर पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं और रह कर बारिश हो सकती है। इसीलिए मौसम विभाग ने अपनी ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजलियां भी गिर सकती है, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो जो ये मानसून का जो मौसम है, उसमें जो बीच में दो तीन दिन का ब्रेक सा आ गया था और मानसूनी हवाएं बारिश नहीं करा रही थी, वो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुई हैं और इसी वजह से राजधानी रायपुर के आसपास सुबह से ही बारिश हो रही है और ये आसार अगले 24 घंटे तक बने रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहन जुड़ने के लिए। तो राजधानी रायपुर में सुबह से बारिश हो रही है और जैसा कि मोहन बता रहे थे कि चक्रवाती चक्रात के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके चलते अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।